अस्सलाम वालेकुम यस, आप देख रहे हैं जैश कोमल कुकिंग कॉर्नर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी बिरयानी की, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है और जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देख लेते हैं चावल बॉईल करने में जो हम मिस्टेक्स करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बिरयानी के चावल को सिंपली बॉईल कर लिया जाता है तो उसमें टेस्ट नहीं आता, करारापन नहीं आता, तो उसके लिए आपने कुछ मसाले इसमें शामिल करने हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे 1.5 चम्मच नमक का। मैं 3 पाव चावल ले रही हूँ और उसका 3 गुना मैंने पानी लिया है। और इसमें शामिल करेंगे घी के 2 चम्मच। पानी आपने कम बिल्कुल नहीं लेना, 3 गुना ही पानी लेना है। अगर पानी कम लेंगे तो चावल अच्छे से बॉयल नहीं होंगे। कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे एक है मेरे पास बादियान का फूल, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग और 3 ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे छोटी इलायची, और 1 शामिल करेंगे बड़ी इलायची। जब पानी बॉयल होने लग जाएगा तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को आपने तेज़ आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे चावल अच्छे से बॉयल नहीं होते। तो लीजिए अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रखा था पानी में। अब एक दफ़ा इनको सेट कर देंगे अच्छे से और फिर कवर करके रख देंगे। 10 से 12 मिनट में आपके चावल जो हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। अब चलते हैं कौरमे की तरफ। कौरमे के लिए मैंने 1 किलो गोश्त को पहले से गला लिया। गोश्त को आपने प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए रखना है और इसको बॉईल करते हुए आपने इसमें डालने हैं 2 बड़े प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी और 1 चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से इसको गला लेना है। अब हम शामिल करेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच घी के, तकरीबन 1/2 कप बनेगा ये, और इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का और 1/2 चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। 1/4 चम्मच यहाँ पे जाएगी हल्दी और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटे हुए गर्म मसाले का। इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेते हैं और इसमें जाएगा दही और उसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ 1 चम्मच मैंने शामिल किया जायफल जावित्री, जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, और 1/4 चम्मच जाएगा जर्दा रंग का। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कौरमे में भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन दही में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो लीजिए इनको भी शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़े का कौरमा हमारा बनने वाला है। कौरमे के लिए आपने गोश्त की भुनाई 25 मिनट करनी है। 10 मिनट हमने इसको पका लिया और कौरमा तैयार होने तक 15 मिनट इसको और पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने गोल काट लिया था। इस तरह से ये जल्दी गल जाते हैं, रिंग्स की शेप में काटें तो। अब शामिल करेंगे इमली की 8 से 10 गुठलियाँ, जिनको मैंने गर्म पानी में पहले से डाल लिया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएँ। गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया था, जिसमें से 1/2 ग्लास यखनी बची थी हमारे पास पकने के बाद। अब वो इसमें शामिल कर देंगे। 5 हरी मिर्चें यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ, जिनको दरमियान में से कट लगा लिया था। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे दम पे। जब तक ये तैयार होता है हम अपने चावल देख लेते हैं। ये देखें चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। आपने 80% इनको पहले बॉयल करना है, बाकी जो पकाई है इनकी वो हो जाएगी जब हम दम पे रखेंगे। लीजिए बहुत ही मज़े का कौरमा भी हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब इसकी लेयर्स लगा लेते हैं। 1/2 चावल मैंने पतीले में लिए हैं और 1/2 ही कौरमा हम इस पर डाल देंगे। ये देखें अच्छे से लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर डालेंगे चावल। अच्छे से सेट करने के बाद इस पर जो बाकी बचा हुआ कौरमा था वो डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे दम पे, बिल्कुल मध्यम आंच पे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें लीजिए 5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको हिला के हल्का सा चेक कर लेते हैं और फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखें कितना अच्छा कलर आया और कितनी परफेक्ट हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।